तो है गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक फेस प्रोपोर्शन, मतलब फेस के अलग अलग पार्ट्स को हम किस तरीके से एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज़, ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए फेस ड्रॉ करना काफ़ी ईजी होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं कवर करूँगा फ्रंट साइड का फेस, ठीक है, जो सामने से फेस दिखता है वो मैं कवर करूँगा, मेल एंड फीमेल दोनों। तो और बाकी सारी चीज़ें, अलग अलग एंगल्स में किस तरीके से ड्रॉ करना है, अलग अलग पार्ट्स किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आउटलाइनिंग ड्रॉ करने के लिए आप HB या 2H पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके, लेकिन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो HB पेंसिल बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप 2H यूज़ करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन, और उससे इंटरसेक्ट करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। और ध्यान रहे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये होगा आई का पोजीशन, तो उसके हिसाब से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक मार्क लगा लेता हूँ जो कि होगा आई, जो भी हमारा आई का साइज़ होने वाला है उसका हाफ, और उसके राइट साइड में भी मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो टोटल हमारा बीच का लेंथ हुआ वो हो गया आई का, आगे आई जो ड्रॉ करने वाला है उसका साइज़। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आई का मैं मार्किंग कर लेता हूँ, दोनों इक्वल होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होता है। तो ये हमने ड्रॉ बना लिया है। तो गाइस, आई के साइज़ से हम नोज़ का भी साइज़ निकाल सकते हैं, वो भी एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे सिमिलर जो मैंने लेंथ लिया था वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दूँगा। तो गाइस, यहाँ पे एक और मार्किंग हम लेंगे और ये होगा आई का जो साइज़ था उसका हाफ। उसके बाद हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन भी कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा टोटल नोज़ का पोजिशन हो गया। तो हमारा आई और नोज़ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लिप्स और चिन का पोजीशन निकालेंगे। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है, आई का जो साइज़ है वो ही नोज़ से लोअर लिप का साइज़ होता है और उसके बाद चिन का भी साइज़। तो यहाँ पे हमें दो इक्वल डिस्टेंस में पार्टीशन कर देना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। उसके बाद हम फोरहेड, जहाँ से हमारा जो फोरहेड का वो पोर्शन है उसको मार्क करने के लिए, अब देखो कि यहाँ से जो हमारा नोज से चिन का जो साइज़ था वही साइज़ वहाँ पे भी होता है, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों का पोजीशन कि कहाँ पे वो ड्रॉ होगा, कहाँ पे हमें वो ड्रॉ करना है। अब हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, अलग अलग पार्ट्स को। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियो, डिटेल में कि किस तरीके से आई ड्रॉ करना है, किस तरीके से लिप्स ड्रॉ करना है, डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं बेसिक बस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, साइजेस वगैरह अच्छे तरीके से आप समझ सको। तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आईबॉल हमने ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा मोड़ा सेड में कर देता हूँ। उसके बाद राइट साइड के आई को भी सिमिलरली वैसा ही सिमिलर साइज़ में हम ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आईब्रो का जो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। नोज़ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, उससे हम इसको ज्वाइन करेंगे। सामने देखो किस तरीके से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप आगे इसको एक लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें ऊपर लेना है ये, और छोटा सा हमने रेक्टेंगल टाइप ड्रॉ कर दिया ताकि उसका इंक्लिनेशन भी हमें पता चल जाए। उसके बाद हम इस तरीके से आईब्रो ड्रॉ कर देंगे। ये एक ऑन एन एवरेज है, हर किसी का आईब्रो एक जैसा नहीं होता, हर किसी का लिप्स एक जैसा नहीं होता, लेकिन ऑन एन एवरेज आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट्रेट का आप ड्राइंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। सामने आपके पास रेफरेंस होगा, आपको पोजिशन पता चल जाएगा, ऑन एन एवरेज स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो फेस को मैच कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं आईब्रो ड्रॉ कर लिया मैंने, उसके बाद नोज़
उसको हल्का सा थोड़ा सा जो टर्निंग होता है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद नोज़ का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा है नोज़ आईज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो गाइस आगे मैं बताता हूँ कि लिप्स का साइज़ किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो अब देखो कि आईबॉल के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया वर्टिकली, और ये हो गया उसका जो लिप्स का जो विड्थ होने वाला है वो। उसके बाद यहाँ से एक मार्क कर लूँगा मैं ऊपर, और ये जो लिप्स का हमने लेंथ पता कर लिया और विड्थ पता कर लिया, हम उसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दो मार्किंग कर रहा हूँ, आप मार्किंग का डिस्टेंस देखो कि कितना मैंने लिया हुआ है लेंथ। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड में सिमिलर लेंथ लूँगा और वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दूँगा छोटा सा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो आगे कि किस तरीके से मैं एक दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी आपको सामने दिख रहा है, तो यहाँ से दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। ये आपको हेल्प करेगी चिन लाइन और जॉ लाइन को ज्वाइन करने में, ठीक है। तो दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से, होता क्या कि फीमेल्स के जो जॉ लाइन होती हैं वो थोड़ा नैरो होता है, तो हम इस तरीके से अब हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक था, मैंने जो डिस्टेंस बताई थी वो हेयर लाइन की आई लाइन से, वो आई लाइन से ना होके वो आईब्रो लाइन से होती है, तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद हम हेयर को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। और आगे नेक ड्रॉ करने के लिए आप आईब्रो का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे नीचे की ओर तो आपको नेक का लाइन मिल जाएगा। उसके बाद ईयर ड्रॉ करते हैं। ईयर ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आईब्रो का जो लाइन है उसको आप हॉरिजॉन्टली सीधा बढ़ाओ दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट। एंड नोज़ का जो लोअर नोज़ का जो पार्ट है वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो तो आपको ईयर का जो है साइज़ मिल जाएगा, और आप वहाँ पे ईयर का जो शेप है वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं ईयर ड्रॉ कर देता हूँ, हमें साइज़ मिल गया है, शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं बेसिक शेप जो है। तो गाइस ये तैयार हो गया हमारा बेसिक शेप, और यहाँ पे कुछ एक करेक्शन भी होंगे वो मैं यहाँ पे करूँगा। वो आप ध्यान से देखो कहाँ पे मैंने करेक्शन करी, थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं। उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी सेटिंग भी दी है ताकि अच्छे तरीके से विजिबल हो सके क्या हमने ड्रॉ किया है।
तो गाइज़ हमारा फीमेल फेस कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं और मेल फेस बनाते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन बिल्कुल सिमिलर है, जिस तरीके से हमने मेजरमेंट उसमें लिया था उसी तरीके से हम सिमिलरली यहाँ पे भी लेंगे। तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और जहाँ पे भी चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको चेंज करना है, जिससे पता चले कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ें मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ तक हमारा बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। यहाँ पे हल्की सी आप देखो कि यहाँ जो मेल की जो आईब्रोज होती हैं हल्की सी चौड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शेप में चेंज होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आप देख लो। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जॉलाइन, या जॉलाइन थोड़ा सा चेंज होगा, जॉलाइन जो मेल का जो जॉलाइन है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो वो ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जो लिप्स है हमारा वहाँ से एक थोड़ा सा कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो जॉलाइन का टर्निंग पॉइंट है वो मिल जाए। उसके बाद इस तरीके से ऊपर से हम थोड़ा सा इंक्लाइन लेके आएंगे, थोड़ा सा अंदर की ओर आएगा और यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन होगा। और यहाँ पे चिन का जो साइज़ है वो भी देखो, थोड़ा सा हमने चौड़ा रखा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है।
तो आईब्रो पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा जो हेयर लाइन है वो उसको हम मार्क कर सके। तो यहाँ से मैं मेज़रमेंट ले लेता हूँ, सेम डिस्टेंस पे हम मार्क कर देंगे और वो हमारा मिल गया हेयर लाइन। यहाँ से एक हेयर स्टाइल ड्रॉ कर देते हैं, मैं बेसिक हेयर स्टाइल ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ भी रख सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो गैस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये लूमिस हेड मेथड नहीं है, उससे इंस्पायर्ड ज़रूर है लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसलिए मैंने बता दिया। बट अगर आप यहाँ से क्रॉस चेक करते हो, जो भी हमने ड्रॉ किया है, जो भी हमने प्रोपोर्शन ड्रॉ किया, अगर आप उसको क्रॉस चेक करते हो तो वो लूमिस हेड मेथड जो वहाँ पर थ्योरी है उनका उसको फुलफिल करता है। तो ये जो मेथड है वो इंस्पायर्ड ज़रूर है लेकिन वैसा नहीं है, उसको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करा मैंने ताकि अच्छे तरीके से आप फेस को ड्रॉ कर सको। आगे मैं लूमिस हेड मेथड भी बताऊंगा कि किस तरीके से लूमिस हेड मेथड से आप अलग अलग एंगल्स में फेस को अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने आर्टिस्ट दोस्त के साथ आप शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें छुटी हुई हैं उनको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।